आप बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की मैं बात कर रहा हूं। आपने आपने बात की, मैंने सुन लिया। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, मुझे लगता नहीं कि वो कोई ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है वास्तव में, वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लग। कि आपने एक ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया कि जो बेमानी का अड्डा बन गया था जिला पंचायत, आप उसको धुल देंगे, साफ कर देंगे, एक अच्छा जिला चलेगा। जो जिला पंचायत की जो आप बात कर रहे हैं सर, आपने आपने कहा कि पिछली जो पूरी व्यवस्था थी बहुत भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी, पर आप ही कहते थे। नहीं, आपने कहा सर, तो मैंने भी कहा। आज आपने कहा सर, मैंने तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो सरकार भी तो आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी सर। नहीं नहीं सुनिए, मैंने ये कहा कि जो लोगों के मन मस्तिष्क में था, हमारी सरकार में नहीं, हमारी सरकार ने तो ठीक किया उनको, हमारी गवर्नमेंट ने तो बेमाने भ्रष्टाचारियों को जो जेलों के अंदर डाला, लेकिन इस जिले में जिस तरीके से लोगों ने कहा उसको, हमारा जो नया जिला पंचायत अध्यक्ष है इसको दुरुस्त चुस्त दुरुस्त करेगा, और यदि कहीं दूर दूर तक भी कोई बेईमानी की बात हो गई उसको भी खत्म करेगा, सफाई करेंगे हम। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि व्यवस्था, जिस व्यवस्था को लेकर के 100 गांवों को अच्छा काम करने की बात। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है वास्तव में, वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। आप बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की मैं बात कर रहा हूं। आपने आपने बात की, मैंने सुन लिया। सरकार के ऊपर आरोप, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, मुझे लगता नहीं कि वो कोई ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है वास्तव में, वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियाँ डाल रहे हैं, कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए, मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है।